हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, आज यहां पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसे कंप्लीट कर लेते हैं और अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आप सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपको रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री एंड आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार सभी लोग चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है। सभी लोग ध्यान से उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लेना, ऑलराइट। क्योंकि देखिए आपको ये बता दूं, आपका सिलेबस कम हो चुका है तो आपके लेक्चर्स भी कम है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं। सो बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी आप सभी लोग कर सकते हैं आराम से। अभी जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम लेकर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे अभी इस क्लास को। और जो भी आज हमारे साथ पहली बार इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो या हमसे बात करनी हो तो ये नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस पर सभी लोग एक बार टेक्स्ट जरूर कर लें, ऑलराइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपका, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पर मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम की जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, एक बार उस पर क्लिक करके सभी ज्वाइन हो जाएं। चलिए स्टूडेंट्स, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अपना कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कोई दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैं सोच रहा हूं, अगर आपको कुछ लगता है तो आपके पास एक दिन का टाइम है, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और नहीं तो आप लोग इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है क्वेश्चन देखिए। तो चलिए इसमें देखिए आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी करवा रहा हूँ और अभी हमारे पास फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये आपकी केस स्टडी में भी बन सकता है, ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, और आपसे वैसे भी पूछा सकता है, क्वेश्चन में भी पूछा सकता है और केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 7.2, ये आपको 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना है बस। आपको अपनी अपनी बुक्स खोलिए और देखिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, ठीक है, और ये एक स्कूल का गार्डन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ऐसा, ठीक है। आइए, ये है ए बी सी एंड डी, ठीक है, इस शेप का गार्डन है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर रेस हो रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है और यहाँ पर रेस हो रही है, और इधर साइड बेटा फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, यहाँ क्या रखे गए हैं, फ्लावर पॉट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस साइड जो भी रखा है बेटा, क्या रखा है बता देता हूँ, फ्लावर पॉट्स रखे, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, काफ़ी फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है। किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक फ्लावर पॉट के बीच में बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब दो फ्लावर पॉट हैं, जैसे एक ये पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग एडी, एडी के अलॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर की है, तो आपको शायद पता चल रहा होगा कि ए से लेकर डी तक अगर यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी आपकी 100 मीटर है, आप शायद समझ गए होंगे ये कितनी डिस्टेंस है, पूरी 100 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जो फ्लावर पॉट्स रखे गए बेटा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 है, ऐसे करते थे 100 फ्लावर पॉट्स हैं, ठीक है, और हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब पहला फ्लावर पॉट और दूसरा फ्लावर पॉट, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, सो ऐसी 1 1 1 1 करते करते डी तक जब जाएंगे तो आपकी 100 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना, इधर साइड आपको यही ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या है, डिस्टेंस आपकी, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके यहाँ पर इस जगह पर ये एक्स एक्सिस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन सी लाइन में है, वो कौन सी से लाइंस बनी रहती है ना, जब आप रेसिंग लाइन जब
ट्रैक पे होते हैं तो वहाँ पर लाइंस होती हैं कि पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ये पर्सन है, थर्ड लाइन में ये पर्सन है, इस तरीके से। ऐसे बेटा यहाँ पर ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं लिख देता हूँ 1 ऐसे करके दिया है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑलराइट, ये क्या बेटा इधर की साइड आपके पास ये लाइंस है, लाइन दिया, रो दिया, हाँ चलो लाइन दिया, ठीक है ना, लाइन ये लिख देते हैं, लाइन कैसी लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इस तरह की लाइन है। यहाँ ध्यान सुनिए आप, देखिए दो कंप्यूटर हैं, पहली कंप्यूटर का नाम है निहारिका जो कि 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी। अच्छा निहारिका, देखिए कंपटीशन हुआ तो निहारिका ने क्या करा, रेस स्टार्ट करी, ठीक है, तो वो कहाँ पहुंची है अभी देखिए, वो सेकंड लाइन पर है और 1/4 डिस्टेंस पर है एडी के, देखिए एक तो सेकंड लाइन पर है और एडी के 1/4 डिस्टेंस पर है, चलिए देखते हैं। सो एडी का 1/4, तो निहारिका के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, सो निहारिका, ठीक है इधर सेट करते हैं, आइए आराम से देखिए, निहारिका लिखा गया है, निहारिका रन्स 1/4, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एडी। इससे क्या पता लगता है, इससे आपको यह पता लगेगा कि निहारिका अभी कि कहां पर है, ठीक है, कितने मीट कितने आगे चले गई है ये पता लगेगा आपको। तो निहारिका की देखें तो कितना आगे चले गई, 1/4 ऑफ एडी आपका 100 मीटर है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस 25 मीटर दूर है, ठीक है, सेकंड लाइन पर है और कहां पर है, कहीं यहां पर है, आप लोग अपने मन से अस्यूम करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ अब यहां 5 10 15 20 25 30 करके ऐसा मत बना देना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बनाना आप लोग, वो आपको वहां पर दे रखा है कि कहां पर है, सेकंड लाइन पर है और मान लीजिए ये है 25, ऐसे देखिए, फर्स्ट सपोज मैंने आपको बता दिया ये हो गया आपका, देखिए ये, ठीक है 25 और यहाँ से ये हो गया 2 सेकंड लाइन, तो आपको पता है यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं इसको, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, मैं ऐसा बना रहा हूँ लेकिन आपको नहीं बनाना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, एब्सिसा, देन हम लिखते हैं क्या, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, इतना चला, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जब आगे को गया 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 गई निहारिका गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे कैसे गई तो यहाँ पहुँची, ठीक है, तो ये कौन सी डिस्टेंस है, 25 मीटर की डिस्टेंस है, और कौन सी लाइन पर है, सेकंड लाइन पर है, सो 25 तो यहाँ पर ये निहारिका, इसको मैं एन से नोट करता हूँ, ठीक है, सो सेकंड लाइन पर है और 2.25 लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, निहारिका बेटा जहाँ भी है यहाँ ले लेते हैं हम, निहारिका 2.25 पॉइंट पर है, ठीक है, एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन है, एक प्लेन में है सब कुछ, ठीक है, चलिए आइए दूसरा पर्सन कौन है, सेकंड लाइन पर है तो ठीक हो गया, प्रीत, प्रीत है एक पर्सन जिसने कि 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है जो कि 8th लाइन पर है। अच्छा और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक फ्लैग पोस्ट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही जा रहे हैं एक फ्लैग को पोस्ट कर दे रहे हैं, फ्लैग मतलब ऐसे करके लगा दे रहे हैं, ठीक है, आइए सो 8th लाइन पर कौन है, एज लाइन पर जो भी है बेटा वो 1/5, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे नीचे ही होगी, फॉर सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर है, ठीक है, आप मान देखिए ऐसे मानिए देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर, चलिए सो प्रीत, इसको मैं पीछे, प्रीत कौन सी लाइन में, 8th लाइन में, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है प्रीत ने, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी, एडी का 1/5 कितना बेटा आपको पता चल रहा होगा यहाँ से, कितना है 100 और ये आ गया 20 मीटर की डिस्टेंस, तो 20 मीटर पर यहाँ से लेकर यहाँ पहुँची कौन, प्रीत जो भी है लड़का लड़की, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, कितना हो गया आपका, पी से नोट करता हूँ उसको, और ये हो गया आपका 8.20, ठीक है, देखिए ये होगी प्रीत, ये हो गया प्रीत, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है, अच्छा एक ग्रीन फ्लैग, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग पोस्ट करा गया है, इस जगह पे ग्रीन फ्लैग करा गया है, जैसा सब क्वेश्चन ने बोला वैसा लिखते हैं हम, और यहाँ पर आप लोगों का रेड फ्लैग पोस्ट करा गया है, ठीक है, कौन सा, रेड फ्लैग, ठीक है, चलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, अरे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन और पी के बीच की क्या डिस्टेंस है, सो लगाइए बेटा, इसको मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे, चलिए सो क्या डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या निकालना है,
एन और पी, मैं एन और पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए आइए डिस्टेंस में लगाइए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब देख रहा हूँ मैं तो कितना आ रहा है 6, 8, 6, 36, और ये कितना आ रहा है आपका माइनस 5 और 25 आ गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जब 61, यस ये तो देखिए आइए से प्राइम नंबर आ रहा है इसके अंदर, इसके अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, सो अंडर रूट 61 ये आपका आंसर आ गया बेटा। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, अंडर रूट 61 है। एंड स्टूडेंट्स इसमें एक पर्सन और आता है अभी, ठीक है, ध्यान सुनिए, उसका नाम है हु वाज दैट इफ रश्मि हैज टू, यस एक पर्सन और आगे बेटा रश्मि, अगर रश्मि को कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, ठीक है। देखिए एक पर्सन और है बेटा, वो कौन है, रश्मि, ठीक है। अब रश्मि क्या कर रही है, रश्मि आई और उसने बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बीच में आई, एग्जैक्टली वो कहाँ आई, बीच में आई। आप देखिए ध्यान सुनिए, इसमें लिखा गया है रश्मि आई, मान लीजिए यहाँ से आई, कहीं से भी हमें नहीं पता चले आई रश्मि, मुझे पता, मुझे इतना पता है कि वो इनके सेंटर में आई बस, ठीक है, एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस लाइन, इन बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के बीच पर आई, बीच में आई, ठीक है, आई। तो देखिएगा यहाँ पर कौन आ गया, रश्मि। अब बात है रश्मि के हमें क्या निकालना है, इसका मतलब पहली बात रश्मि अगर यहाँ आई है तो रश्मि किस लाइन पर है, अगर करेक्ट बीच में आई है इन दोनों के तो रश्मि कौन से लाइन पर है एंड वो कितनी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मतलब ये आपको बताना है। आपको ये याद रखना है कि यहां पर जो x था बेटा, जो x एक्सिस आपको नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था एंड y एक्सिस आप लोगों के लिए क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर, याद रखिए इसको। जो x एक्सिस है वो आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ, देखिए 8th लाइन और 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, सेकंड लाइन और 25 मीटर ट्रेवल कर रखा है, ऐसे यहां पर जो भी होगा, ठीक है, उससे क्या पता लगेगा, ये क्या है आपका नंबर ऑफ लाइन और ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो भी पर्सन है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको ये निकालना है, यस इट इज गिवन दैट कि आर रश्मि इन बिटवीन एन एंड पी, तो आर इज द मिड पॉइंट, ये दे रखा बेटा आपको, मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं ऐसे, आप लोग कर सकते हैं कि आर क्या बेटा, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एन एंड पी का, किसका, एन एंड पी का, आर मिड पॉइंट है बेटा किसका, एन एंड पी का, ठीक है, किसका, एन एंड पी का, मतलब ये पर्सन है, ठीक है, ये निहारिका, वो प्रीत और रश्मि, तो इसका मतलब हम मिड पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैंने बता रखा आपको, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, इतना क्लियर सबको दिख रहा है इतनी दूर तक, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, आइए सो देखेंगे अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, एक्स वन मेरे लिए अभी कितना है, ये है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सो टू प्लस एट कर लीजिए आप लोग अपॉन टू, और वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस 25 बाई टू, सो देख रहा हूँ मैं यहाँ से 10 बाई टू आ गया, ये 5 आ गया, और ये आ गया बेटा आपका 45 बाय 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू तो 5 आ रही है एंड y कितना आ रहा है आपका 22.5 मीटर, ये देखिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया है आपकी रश्मि किस जगह पर है तो आप क्या बताएंगे, उसकी लाइन भी बताएंगे, कौन से नंबर पर है, वो 5th नंबर की लाइन पर है, रश्मि कहाँ पर है, 5th नंबर की लाइन पर है और 22.5 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर रखी है। आई होप यह पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि गिवन है कि आर रश्मि इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। सो स्टूडेंट्स समझ गए आप लोग, तो कौन सी लाइन, 5th लाइन पर रश्मि एंड डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, चलिए आप तो समझ गए होंगे अच्छे से। आइए अब हम करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, और फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना और ध्यान से उसको देख लेना एक बार और। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दे रखे आपको 1, -5 एंड -4, -5, डिवाइड द एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है, कितनी अच्छी बात है, मतलब यहां पर अगर एक्स एक्सिस होगा तो एक लाइन आई जिसने एक्स एक्सिस को डिवाइड किया, इस लाइन के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं
तो कितने हैं, 1, -5 दिया है क्या? यस। दूसरा बेटा ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -5। अब देखिए स्टूडेंट बात ये है, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो नेगेटिव साइड कर रहा है या पॉजिटिव वाली साइड कर रहा है, हमें नहीं पता ना। ये सब हमें कहाँ से पता लगेगा, जब हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी साइड था, नेगेटिव साइड था या पॉजिटिव साइड था, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये थोड़ा पता है अभी हमें। हम क्या मानेंगे, एक्स की वैल्यू तो आएगी ना, अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगेगा, जब हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब सॉरी इसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो अभी आप क्या करिए, आपको इतना पता है कि ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पर कट कर रही है ये लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन बेटा एक्स एक्सिस को कट कर रही है। सो मतलब एक्स कॉमा जीरो होंगे इसके पॉइंट, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये हो गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसने इस लाइन को डिवाइड करा है। आइए तो हमें यही निकालना है, हमें क्या निकालना है, ऐसे ध्यान सुनना, हमें एक तो रेशियो निकालना है, ठीक है, ध्यान सुनिए, हमें निकालना है कि एम रेशियो जो एन होता है बेटा वो कितना होगा, ठीक, ये हमें फाइंड करना है। एक मैंने आपको लास्ट टाइम सब कुछ बता रखा है, ठीक है, ये के क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम अपॉन एन रेशियो वन, और इस एम अपॉन एन की जगह पर मैं के लिख दूँ तो के रेशियो वन मान के चलेंगे अब इसको, ये हमेशा आपका वन ही रहेगा। आप करिए इसको उसी तरीके से एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन करके करिए, बिल्कुल वैसे करिए, ये तो हमेशा वन रहेगा, ठीक है। आप एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन लेकर ही करिए इसको सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही करिए, लेकिन ध्यान देना अब आपके लिए एम यहाँ पर क्या हो गया। देखिए वैसे आपको पता है कि के के जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा, के का आंसर बेटा के मान लो कुछ भी आ गया आपका, वो क्या होगा एम अपॉन एन ही होगा, समझ गए आप सभी लोग, ठीक है, इतना समझ गए आप सभी लोग, के जो भी होगा वो एम अपॉन एन होगा। तो के की वैल्यू आप फाइंड करिए, मैं ऐसे लेता हूँ उसको एम और एन लेके चलता हूँ, लीजिए, ठीक है, आइए। सो देखिए आप कैसे होगा, सबसे पहले आपको पॉइंट्स पी के कोऑर्डिनेट्स पता है कितना बेटा, एक्स कॉमा जीरो है। सो अगर यहाँ से मैं एक्स बराबर निकालूँ तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होता है, तो एम कितना मेरे लिए अभी के है, ठीक है, एम एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये है माइनस का फोर प्लस एन एक्स वन, एन मेरे लिए वन ही रहेगा हमेशा, एक्स वन कितना है, एक्स वन ये वन, एम एक्स टू प्लस एन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, एम एक्स टू, चलिए आइए ये आ गया, नीचे क्या आएगा एम प्लस एन मतलब के प्लस वन, ठीक। अब मुझे आप खुद बताएंगे यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि आपका यहाँ से, क्या ये पॉसिबल है बेटा कि आपका यहाँ से एक्स भी आ जाए और के भी आ जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, याद रखना कि आपको एक्स भी मिल जाए और के भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपको यहाँ से एक्स भी मिल जाए और के भी मिल जाए, कोई एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए थी, तो मतलब इससे हमारा भी कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान सुनना, जब मैं यहाँ पर वाई बराबर रखूँगा ना, कितना, जब मैं रखूँगा वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ठीक है, एम वाई टू, ये आपको पता है अच्छे से, यहाँ मैंने कराया था लास्ट क्लास में, अपॉन एम प्लस एन, ऐसे उसका क्या था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है, तो मेरे लिए अभी एम यही है बेटा, के ही है, तो के एम वाई टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कितना मल्टीप्लाइड बाई फाइव प्लस एन, मेरे लिए वन ही है, वाई वन एक्स वन माइनस का फाइव, और नीचे क्या बेटा के प्लस वन, यस। वन मोर थिंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है आपका वाई, ये है एक्स, तो वाई कितना दे रखा आपको जीरो, सो जीरो बराबर फाइव के, ये आ गया माइनस का फाइव अपॉन के प्लस वन, ये यहाँ चला जाएगा जीरो हो जाएगा, तो फाइव के माइनस फाइव बराबर जीरो, देन फाइव के बराबर फाइव, देन के की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, वन मिल गई या फाइव बाई फाइव मिल गई, ठीक है। अब देखिए होता तो ये ना, के रेशियो वन था आपके पास जो रेशियो था, सो के कितना आ गया आपके लिए, वन आ गया, तो वन रेशियो वन हो गया बेटा, सिंपल सा, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा फाइनल। तो रेशियो तो हमको मिल गया है, अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वाली बात आ रही है, इसलिए ना के हमें मिला वन, के हमें मिला वन, अब आप के की वैल्यू बेटा रख लीजिए, आपको एक्स भी मिल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे आप के की वैल्यू, आपको एक्स भी मिलने वाला है, तो के आपका वन आया, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वन, अगर मैं एक्स बराबर के की वैल्यू वन रखता हूँ, सो के प्लस वन, वन प्लस वन टू, तो यहाँ से आपको x भी मिल गया माइनस फोर प्लस वन अपॉन टू, सो क्या माइनस का थ्री बाय टू। सो मेरा पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था आपके, माइनस थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो, इसका मतलब माइनस थ्री बाय टू कॉमा जीरो, इसका मतलब नेगेटिव साइड था, ठीक है। सो ये आपके आंसर्स आ गए, दो, एक ये और एक
ये। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना आप सभी लोग। ये आपके लिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस एन। अब एक लाइन की क्वेश्चन है, ये लाइन क्या कर रही है, देखिए ये लाइन एक दूसरी लाइन सेगमेंट को काट रही है, ठीक है, उस दूसरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। इस समय पॉइंट नहीं है आपके पास, उस पॉइंट की इक्वेशन है ये मान लीजिए बस, ठीक है। पॉइंट नहीं है बट उस पॉइंट की इक्वेशन है आपके पास। हर एक लाइन की, हर एक पॉइंट की इक्वेशन होगी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर से एक काम करता हूँ, जो भी आपके पास पहले देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो अभी एक लाइन आने वाली है जो इसको काटेगी, तो पहले इस लाइन, जो भी ये लाइन है बेटा, इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। 1.3 और दूसरा आपका 2.7। और यस, एक लाइन आई बेटा, उसने उसको काटा। देखिए एक लाइन आई जो कि लाइन क्या आपकी, उस लाइन की इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब ये बेटा ब्रेक करेगी, यहाँ से आएगी ऐसे ऐसे करते नीचे को आएगी, इस हर एक बेटा इसकी भी इक्वेशन हुई, ठीक है, और इस लाइन की भी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन है कट किया, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 है, समझ में आया सबको। अब एक काम करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान सुननी है। यहाँ पर आपका देखिए एक पॉइंट होगा जिसको मान लेता हूँ C मान लेते हैं फॉर सपोज, और इसको मान लेते हैं x कॉमा y, ठीक है। आप लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से x और y को फाइंड करेंगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछा है यहाँ पर कि इसका यही पूछा है कि आप बताइए कि किस रेशियो में इस लाइन ने इस लाइन को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ से आपके पास जो भी x कॉमा y आएगा, ठीक है, जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी, नहीं सॉरी, जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी x और y की, वो इसी लाइन की तो हैं, तो आप यहाँ रखेंगे, आप जब यहाँ रखेंगे तो आपको k मिल जाएगा, और k मिल जाएगा तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग उसको ध्यान से करना, ठीक है। चलिए सो उसको मैं a और b मान लेता हूँ। चलिए आप सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ से पहले x निकालिए, ठीक है। जब आप लोग x निकालेंगे, ठीक है, जब आप लोग x निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 होता है आप लोगों के लिए अपॉन m प्लस n, इसको याद कर लेना सभी लोग। दूसरा है बेटा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं ऐसे रखता हूँ, x इज इक्वल टू m, ले लिया अभी k है ना, k x2 x1 y x1 y1 x2 y2 2, तो सीधे 2k लिख देता हूँ, 2k प्लस ny1, एन वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा आपको पता है जी, ठीक है। 1 और x1 कितना है मेरे लिए, यहाँ पर सबके लिए मतलब मेरे लिए क्या 1 ही है, ठीक है, दोनों 1 है, 1 2 1 1, सो नीचे आ गया k प्लस 1। दूसरा देखते हैं बेटा y बराबर क्या है, ठीक है, y क्या है, देखिए m y2, m तो आपके पास k ही है, और y2 x1 y1 x2 y2 7k प्लस ny1 x1 y1 प्लस 3, एन तो बनी है के प्लस 1। तो देखिए बेटा इसी लाइन की, देखिए इसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो उस पर एक कोऑर्डिनेट भी तो है एक्स कॉमा वाई, समझ में आपको समझ में आया बेटा, ये एक्स और वाई आ गए तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी आप इस लाइन में पुट कर लीजिए, ठीक है, इसमें इसकी जो भी वैल्यू चाहिए ये आ तो गई, इनको यहाँ पुट कर लीजिए, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ऐसे करिए आराम से उसको। चलिए सो यहाँ पर देखिए हम जब इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं तो लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा, तो इक्वेशन लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 है। एक काम करते हैं, पहले हम इसको 3x प्लस वाई बराबर 9 लिख देते हैं और यहां पर रखते हैं वो 3 बेटा, x कितना आपके पास, देखिए 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। आइए दूसरा बेटा आपका प्लस का y कितना बेटा आपका 7k प्लस 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको, इज इक्वल टू 9, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। चलिए तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया यहाँ पर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, 3 2 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और ये आ गया 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 9। ऐसे जब लेंगे आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे में k प्लस 1 ही आएगा, ठीक है, और बराबर 9 हो गया। ऊपर से ये सारी चीज़ रिपीट दोबारा आ जाएंगी, 6k प्लस 3 और 7k प्लस 3,
ठीक है, इसको वहाँ भेजेंगे, ये आ गया 7, 6, 13, तो 13K+6 बराबर, इसको वहाँ भेजेंगे बेटा 9K+9, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसको यहाँ भेजता हूँ 9, 13K-9K इज इक्वल टू 9-6, तो मैं देख रहा हूँ ये कितना आएगा 4, 3, सो के इज इक्वल टू बेटा 3/4, आपको पता है के क्या होता है आप लोगों के लिए, m/n ही तो होता है, इसका मतलब क्या है k=1, तो कितना आया के की वैल्यू 3/4:1, इसका मतलब कितना आ गया 3:4 आ गया। तो बेटा रेशियो क्या आ गया आपके पास, तो रेशियो क्या आ गया इस लाइन का, जिस इस लाइन ने किस रेशियो में डिवाइड किया इस लाइन को, 3:4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप सभी लोग घर पे ट्राई करना एक बार और, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने तो 9K+9, ठीक है, आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई तो आता ही है। अच्छा और कुछ पूछा, और कुछ नहीं पूछा, आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये देखिए आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए आपके पास रोम्बस, आपको बहुत अच्छे से पता है रोम्बस क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और आपके इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। चलिए इनसे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे क्या जरूरत है, डायगोनल्स की जरूरत है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास एक रोम्बस मालूम है, रोम्बस शेप का एक फिगर ना दिया इस तरीके से, आइए इसमें हमें वर्टिसेस दे रखे, इसमें लिखा गया रोम्बस के वर्टिसेस हैं और इनको एक ऑर्डर में लिखा गया, मतलब सेम ऑर्डर पे हैं, मतलब पहला आपके अगर मान लीजिए आप 3,0 लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं 3,0, पहला 3,0 दिया, तो अगला कौन है आपके पास यहां पर 4,5, यस, नेक्स्ट कौन है आपके पास -1,4 एंड इसके बाद आपके पास कौन है -2,-1, इस तरीके से ऑर्डर में है, ठीक है। ये ए ये हो गया, ये बी हो गया आपके पास, ठीक है, और ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। चलिए इसमें आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत अच्छे से करना है इसको भी, रोम्बस है और आपको इसका एरिया निकालना है। सो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 × d2, मतलब डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सो डायगोनल्स कौन है, हाँ बना लीजिए। अब इसके अगर डिस्टेंस यही होगी ना AC × इसके अकॉर्डिंग देखते हैं AC × BD, आइए तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी बेटा, यहाँ पर AC निकाल लीजिए, AC डिस्टेंस फॉर्म लगाइए, निकालिए ना डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा जिंदाबाद फॉर्मूला, AC x1 y1 x2 y2, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ से देख रहा हूँ तो कितना -4 का स्क्वायर और ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से देख रहा हूँ तो बेटा 16 इसका भी आ गया, 16 इसका भी 32 आ गया, सो ये आ गया आपका 4√2 यूनिट्स, ठीक है 4√2 यूनिट्स आ गया। ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिए BD भी निकाल लीजिए, BD कैसे निकलेगा देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x1 y1 x2 y2, 4 - 1 - 2 कितना होगा, प्लस का 2 जाएगा, आप लोग करना अच्छे से, 4 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसी ये भी 5 - 1 कितना, 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है y2 - y1 लगा दिया, ये आ गया आपका 6 का स्क्वायर और ये भी आ गया आपका 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 36 + 36, तो ये आ गया √72 और ये आ गया आपका 6√2, ठीक है 6 6 36 36 2 72, सो अब एरिया निकालना है बेटा, तो एरिया क्या आएगा रोम्बस का एरिया निकालना है, तो 1/2 × AC कितना है 4√2 और ये कितना आपका 6√2, ठीक है 2 से 2 कट गया, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 2√2 × 6√2, 2 6 12 एंड √2 × √2 2, सो 12 2 बेटा 24 यूनिट्स, बहुत आराम से हमने क्वेश्चन कर लिए। सो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तैयार करना इस क्वेश्चन को भी। चलिए स्टूडेंट्स अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, वैसे तो लाना नहीं चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। अब एक पॉइंट है बेटा तो डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3, P एक कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। चलिए इसको मान लेता हूँ C और ये लाइन जो है बेटा ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, पहला मैं मान लेता हूँ कितना है,
ए मानते हैं और कितना है माइनस फाइव कमा माइनस का फोर। दूसरा बेटा बी मानते हैं तो बी कितना है आपके पास, सेकंड पे पॉइंट है माइनस टू कमा थ्री है। आपको क्या निकालना है, एक तो उनका रेशियो निकालना है, ठीक है, दूसरा आपको ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही सब जो करते हुए आ रहे भाई करो ना यार। एक्स इजिकल टू एम एक्स टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू प्लस एन एक्स वन माइनस का फाइव अपॉन के प्लस वन, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से ना, यहाँ पर ये आपके पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, ये एक्स जो लिखा गया है बेटा ध्यान सुनना, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना आपको सबसे पहले इसी का ध्यान रखना है आपको। ये एक्स कौन है बेटा, ये वाला, ये एक्स और वाई है। अगर स्टार्टिंग की क्लास पढ़ लेना तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाली जो हमारी क्लास थी बेटा उसे देख लेना, कभी आपको पता चलेगा कि ये कौन है, ये बेटा एक्स है और ये आपका वाई है। तो अभी एक्स बराबर ये लिखा है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखता हूँ माइनस थ्री है, ये आएगा माइनस टू के माइनस का फाइव अपॉन के प्लस वन। इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस थ्री ऑफ के प्लस वन माइनस का टू के माइनस का फाइव, और यहाँ जब देख रहा हूँ थ्री के माइनस का थ्री इक्वल टू माइनस टू के माइनस का फाइव, तो इसको मैं यहाँ ले गया तो माइनस थ्री के प्लस का टू के और बेटा माइनस का फाइव प्लस का टू, सो आ गया माइनस के इक्वल टू माइनस का थ्री। सो के की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई यहाँ से, प्लस प्लस थ्री है बेटा, तो कितना आएगा माइनस का टू। तो के की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, के टू आ गया। के टू आने से क्या मतलब है कि आपके पास रेशियो क्या बन गया, टू रेशियो वन बन गया, ठीक है। रेशियो क्या आ गया बेटा, टू रेशियो वन आ गया। चलिए अब के टू आ गया तो एक काम करते हैं बेटा, ये भी तो हमारे पास ये पी जो कि वाई है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू देखें तो ये था फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी एम वाई टू, एम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एम वाई टू प्लस एन तो मेरे वन ही है एंड वाई वन वाई वन कितना है माइनस का फोर अपॉन के प्लस वन, और जो बेटा वाई है मेरे लिए वो कितना है पी है। के अब देखिए के रखते हैं, के कितना आया मेरे पास, टू आया, सो टू इंटू थ्री प्लस वन ऑफ माइनस फोर अपॉन टू प्लस वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिक्स माइनस का फोर अपॉन थ्री, तो कितना आ गया टू बाई थ्री आ गया। सो बेटा कितना आ गया आप लोगों का आंसर, ध्यान से देखना आप लोग कितना आया, ये हमारा टू अपॉन थ्री आ गया। कौन, पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, टू कॉमा टू अपॉन थ्री आ गई। इसका मतलब माइनस थ्री कॉमा टू कॉमा सॉरी माइनस थ्री कॉमा टू अपॉन थ्री, सो पी भी आपको मिल गया और साथ ही साथ आपको के भी मिल गया। सो ये हमारे क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास और ये थे हमारे क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सब कुछ, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो अब हमारी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेटा वो खत्म होती है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, आप यहाँ पर टेक्स्ट करिए, मुझे बता दीजिए सभी लोग, ठीक है, और ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी है। चलिए फ्रेंड्स, और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ था एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।